चिकन लेग पीस। स्वागत तो करो हमारा। हम लोगों से लास्ट वीडियो में बोला ही था कि हम और क्रिएटर्स को लाके सुपर सस के बैटल ग्राउंड में लाके फेंकेंगे और उनके साथ भाई गेम प्लेज निकालेंगे। तो तुम्हें पता है भाई आज हमारे साथ कौन है? पता नहीं, तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि आज हमारे साथ कौन है। आज हमारे साथ है कास्टर रोहन। नहीं, कास्टर रोहन पे तो तुम लोग यकीन कर लोगे क्योंकि वो हमेशा उठ के आज छोड़ो रोज स्टूडियो नहीं है, बट आज की वीडियो में हमारे साथ है और कोई नहीं बल्कि हम सब के प्यारे शिनचैन एक्सओपी शिनचैन गेमिंग। जी हाँ गाइस, लास्ट बार की जब मेरी गेम प्ले वीडियो में आए थे तो क्या तो तगड़ा रिस्पांस तुम लोगों ने दिखा था ना, तुम लोगों ने बोला था भाई शिनचैन भाई यहाँ तो तगड़ा रिस्पांस। तो उस वीडियो पे यही कुछ 200 के करीब कमेंट्स हैं और साथ ही साथ 10,000 से ऊपर उस वीडियो पे व्यूज हैं। ओ भाई जो है 700 या 800 से ऊपर उस वीडियो पे लाइक है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आज की वीडियो में हम लोग शिनचैन भाई को दोबारा लिया था, और अगर आज की वीडियो पे तुम लोग लाइक कंप्लीट कर दे तो जो कि होने वाली 300 लाइक्स की, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ और कोई नहीं बल्कि आने वाला है वायरस 11। कोई तरीका है भीख मांगने का? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो की लाइकिंग कंप्लीट होती है तो मैं वायरस 11 को उठा के ला दूंगा भाई। मैं मेरा दिमाग खराब है इस वक्त, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ भाई। खैर अभी भाई हम लोग आ चुके हो, मैं बनाऊँ हमेशा की तरह हनी बी, क्योंकि मुझे हनी बी से लिटरली जीतने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। क्यों? क्योंकि हनी बी का काम ही कुछ नहीं है। हनी बी को सिर्फ और सिर्फ एक बंदे से अटैच होना है और उसे सिर्फ और सिर्फ एक प्रो बंदा ढूंढना है, उसके बाद उसे क्या करना है सिर्फ और सिर्फ अटैक करते रहना है। व्हाट? क्या? बार बार अटैक, लगातार अटैक, हर बार अटैक। और जैसे ही वो अटैक करता रहेगा भाई सामने जो उस टीम वाले बंदे होंगे वो मरते रहेंगे। खैर हमारी टीम में भी सैम और वो स्नाइपर है, जिसमें से हमारे शिनचैन भाई जो है वो तो नॉक हो चुके हैं, बट भाई मैं इधर यूज कर रहा हूँ, बट मेरा नेट अपनी एसी तेसी करा रही है ना, एसी तेसी करा रही है ना कि बस पूछो मत। ओके यहाँ पे मेरे ख्याल से तीर का निशान लगा और हमारे शिनचैन भाई तो यहाँ पे मर चुके हैं, बट हमारे कास्टर भाई ने नॉक कर दिया सामने एक बंदे को और इधर सैम और आके इनकी बजा दी। क्या बोलूं मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ओके भाई मेरा भागने का मकाम आ चुका, मैं भाग रहा हूँ भाई मैं नहीं रुकूंगा। ओके यहाँ पे तीन बंदे बचे तो हम इस गेम को जीत सकते हैं, बट अगर वो सामने वाले बंदे एक ही टीम के नहीं होते। अरे यार मेरे गलत एकदम गलत टाइम पे लगा यार, मेरी शील्ड जैसी बंद हुई वैसे उस बंदे ने मार दिया। शेट क्या बोलूँ यार मैं शील्ड बंद करी मैंने वैसे ही मार दिया उसने। एक तो ये साले दोनों अलग अलग टीम के बंदे बचे थे यार, जीत सकते थे ये गेम हम, बट क्या ही कर सकते भाई, मोए मोए होना तो हमारी जिंदगी में लिखा है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे दोबारा से बनने वाले हनी भी, कास्टर रोहन बन रहा है टाइम मास्टर, अपने शिनचैन भाई बन रहा है स्नाइपर। ओके इस स्नाइपर का इस वाले मोड में ज्यादा कुछ काम है नहीं, क्योंकि मुझे लिटरली स्नाइपर इस मोड में समझ में नहीं आया भाई क्यों बंदे सुन चुनते हो, क्यों भाई बंदे जीतने का, मतलब स्नाइपर मेरे समझ में नहीं इस मोड में। यार यहाँ पे अपना कास्टर भाई हनी भी क्यों बन गया भाई, पता नहीं। नहीं कास्टर भाई हनी भी क्यों बने, सिर्फ मेरे को इतनी बात बता दो कि कास्टर भाई हमारे हनी भी बने क्यों हैं? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। खैर कोई बात नहीं, जो भी बात है अभी हम लोग जाके भाई अपने शिनचैन भाई से अटैच होने वाले और हम लोग देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ शिनचैन भाई के पीओवी से क्या आखिरकार हम लोग इस गेम को जीतने हैं या नहीं, क्योंकि हम लोगों को देखनी अपनी जीत भाई। आज इस वाले गेम को, इस वाले मोड को मैं जीत के जाऊंगा भले ही कुछ भी हो जाए। तुमसे ना हो पाएगा, कुछ भी हो जाए अपने को जीतना है ये वाला मैच। खैर अभी यहाँ पे दो हनी भी अटैच हैं एक स्नाइपर से, पता नहीं क्यों अटैच है क्योंकि स्नाइपर एक लड़की है और हनी भी लड़की है, इनका कुछ मैच। क्यों डीमन भाई क्यों बताते रहते हो कि तुम शैतानों के उस्ताद हो, क्या हरकतें हैं यार मेरी, मैं चुप होके क्यों नहीं बैठता हूँ भाई, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या क्या सोच रहा हूँ, छोड़ो भाई ऐसा लग रहा है मेरे को अपना जो है पूरा का पूरा दिमाग है ना जमजम पानी में डाल के निकालना चाहिए, तभी अब कुछ पाक हो पाएगा, वरना नहीं पता भाई मुझे क्या होने वाला है मेरे साथ। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन बुरी तरह फंसोगे।
फिर अभी हम लोग यहाँ पे अटैच और शिनचैन भाई यहीं पे खड़े हुए एक ही जगह पे, ये खड़े हुए वेट कर रहे हैं कि कोई आए तो हम तीनों मिलके उसकी बजाएं, बट कोई आ ही नहीं रहा। सारे सारे कैंपिंग वाले बंदे आए हैं तो हम लोग भी यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, मतलब कैंपिंग इज इक्वल टू कैंपिंग। फिर अभी यहाँ पे जोन आने वाला तो हम शिनचैन भाई से बोल रहे थे कि शिनचैन भाई भाग लो, कभी पता चले कैंपिंग के चक्कर में हम लोग जोन से मर जाए तो कांड हो जाएगा। खैर अभी यहाँ पे शिनचैन भाई वाला इमोट दिखा रहे थे, जो इमोट भाई मैंने भी खोल रखा है, कास्टर भाई ने भी खोल रखा है, मतलब हम तीनों के पास है भाई इमोट, हम तीनों ही अमीर इंसान हैं। खैर क्या ही कर सकते हैं, मुझे हाँ भूल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ भाई। उठ जा, उठ जा। काश मैं आज हनी भी नहीं लेता तो मैं ऐसे अटैच होकर सिर्फ और सिर्फ लाचारों की तरह गेम को तो नहीं देख रहा होता ना, मैं जाता फुल रश मारने। खैर अभी यहाँ पे 8 बंदे जिंदा हैं जिसमें से 3 तो हमें और 5 और बंदे जिंदा, यानी एक पूरी की पूरी स्क्वाड हो सकती है और 2 वैसे नॉर्मल बंदे हो सकते हैं। भाई ये बंदा कितना अमीर है बे, इसका पेट भी डांस कर रहा है भाई, और मैंने पेट भी नहीं खोल रखा। क्या बोलूँ मैं, नहीं के क्या बोलूं क्या भाई, मामा सस भाई मेरी, भाई मेरी इनकम बढ़ाओ मामा सस, ये कोई बात होती है कोई? खैर कोई बात नहीं भाई, उनकी वाईटी इनकम भी तो छोड़ो जितना मेरे पूरे महीने के व्यूज होते हैं तो इनकी एक वीडियो पे खींच। छोड़ो यार, क्यों बोलता रहे तुम इस बात को। खैर अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, वो सामने टीम ब्लैक नहीं आई, वो भाई हम तीनों ने एक साथ उस पर काटा, छोड़ो मेरे ख्याल से एलिमिनेट हुए हैं वो, नहीं एलिमिनेट नहीं हुआ, ओके हमने दोबारा से इधर काटे छोड़े, बट यहाँ पे शिनचैन भाई हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। और इस टाइम पे ओके कास्टर भाई ने क्या तो सही, नहीं कास्टर भाई का नहीं, मेरे तीर लगा था उस पर और कास्टर भाई ने तीर मारा और कास्टर भाई ने एलिमिनेट कर दिया। ओके कास्टर भाई भी अब नॉकडाउन हो चुके हैं, मैं भी नॉकडाउन हो चुका हूँ, तीनों नॉकडाउन हो चुके हैं, नहीं तीन नहीं चार नॉकडाउन हो चुके हैं। ओके मैं तो मर ही गया, कास्टर भाई भी उम्र का, कास्टर भाई अभी भी जिंदा है भाई, कास्टर भाई की डेड बॉडी पे खड़ा हुआ डांस कर रहा है, देख रहे हो सरामी को, ये जानता नहीं क्या कास्टर रोहन कौन है भाई? नहीं ये नहीं जानता भाई, कास्टर रोहन गुंडा कर दिए भाई, गुंडा कर दी करने वाले क्रिएटर को नहीं जानता, ये जानते नहीं है क्या हम लोग कौन है? पता नहीं भाई, जितना ये लोग गेम नहीं खेलते ना इससे ज्यादा। क्यों नहीं, क्या हो क्या गया आज मुझे, क्यों रोस्टिंग पे उतरा हूँ मैं, क्या ही बोलूँ। खैर अभी यहाँ पे भाई इस वाले गेम में भी मैं तो बनना वाला हूँ हनी भी, और हमारे शिनचैन भाई बन रहा है टाइम मास्टर, और कास्टर भाई भी अपने बन रहा है टाइम मास्टर, ना जाने क्यों ये लोग टाइम मास्टर की जोड़ी को हनी भी के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही इनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चल रही है, वो है अटैचमेंट। अब मैं किससे अटैच हूँ ये बात मेरे दिमाग में नहीं पड़ रही, बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कास्टर भाई से अटैच हो जाए, क्योंकि हाँ सही है चाहे मैं इसी बंदे से अटैच हो चुका हूँ। और यहाँ पे भाई आते ही मारा मारी बंदूक के स्टार्ट हो चुके हैं, देख रहा भाई कैसे किल हो रहा है भाई, धनाधन बंदे नॉकडाउन हो रहे हैं, कोई मियाओं को नॉकडाउन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई यही चल रहा है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ नॉकडाउन चल रहा है इधर। खैर कास्टर भाई यहाँ पे खड़े हैं, पता नहीं क्या बोलना है, बट कुछ तो बोलना है और कुछ तो करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। ओके जोन बन चुका है, जोन गलत साइड पे बना भाई, लैंडर साइड पे जोन बना, तो हमें जोन की तरफ जाना पड़ेगा, कभी पता चले हम लोग जोन से मर जाएं तो भाई बहुत गंदे सीन होते हैं जोन से मरने वाले। खैर अभी कास्टर भाई भागते हुए जा रहे हैं आराम आराम से एकदम शांतिपूर्वक, पता नहीं क्यों रुक गए बीच रास्ते में, रुक गए शायद चेक कर रहा है बाहर का तापमान देख रहे हैं। हैकर है भाई ये हैकर है, ये दीवारों के आर पार जा रही है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। नहीं कास्टर रोहन हैकिंग, मेरा नेटवर्क इशू कर रहा होगा यकीन, तभी ये लोग रुक रुक के भी चल रहे हैं और दीवारों के आर पार भी जा रहे हैं। खैर अभी ये लोग लैंडर पे आके खड़े हो चुके हैं, बट लैंडर पे यार कोई भी नहीं है, मुझे लगा यार लैंडर पे बंदे कैंपिंग कर रहे होंगे, अगर कैंपिंग कर रहे होते तो भाई मैं मारता सारों को, छोड़ता नहीं मैं एक एक के भाई अटैक करता। ओके यहाँ पे शिनचैन भाई अपना इमोट दिखा रहा है तगड़ा वाला, मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी मेरे पास भी भाई इमोट, मैं भी दिखाऊंगा रुको। अरे पूछा किसी ने एक अरे अरे क्या हो रहा है, डर का माहौल है भाई, तो
डर का माहौल तो सच में है, क्योंकि भाई जिस हिसाब के भाई बंदा स्नैपिंग कर रहा है ना, मुझे तो नहीं लगता भाई हम लोग इस वाले गेम को भी जीतने वाले हैं। बट अगर भाई इस वाले गेम को जीत गए तो मैं इससे ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई अगर तुम बैटल ग्राउंड में एक गेम भी जीत गए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई ये गेम प्ले के लिए। खैर अभी हम लोग रिएक्टर साइड में जा रहे हैं, बट यहाँ पे भी कोई नहीं है। आई डोंट नो कि ये बंदे कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं, और आखिरकार इतना बड़ा मैप है तो ये बंदे छुप कहाँ गए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा भाई। जोन श्रृंग कोरिया ये बंदा, ओके अब हम इस गेम को जीत सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है सिर्फ उसे 5 बंदे बचे हैं जिसमें से 3 हम हैं, यानी सामने टीम के स्क्वाड के सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे बचे। ओके ओके अब इधर अब ओके ओके मुझे स्नाइपर दिख गया, मुझे स्नाइपर दिख गया, स्नाइपर ऊपर है, कास्टर भाई ऊपर है, स्नाइपर कास्टर भाई ऊपर है, ऊपर जाके स्नाइपर ऊपर जाके करो, अरे ऊपर है यार नीचे नहीं, नीचे साइड से मुझे ऐसा लग हो सकता है इधर स्नाइपिंग से, इधर से स्नाइपिंग पड़ी हो क्योंकि स्नाइपर का ऊपर मेरे को मार था। ओके भाई सामने गोल्डन टीम और कास्टर भाई ने यहाँ पे टाइम रिवाइंड करा, बट विदर शायद उसके पड़ा, ओके अपने शिनचैन भाई ने भी टाइम रिवाइंड करा बट शायद उसके पड़ा है, उसके एक तीर पड़ा। ओके 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 नॉकडाउन, अरे भाई शिनचैन भाई नॉकआउट हो चुका, बट मैंने इधर नॉकआउट नहीं, नहीं कास्टर भाई ने करा इस वाइट को, और यहाँ पे भाई ये वाइट, अरे इससे हनी भी अटैच था ब्रो, इससे हनी भी अटैच था, लॉल 4 बंदे बचे अभी हम, और कहाँ गया भाई वो मेरे को नजर नहीं आ रहा भाई, हनी भी किधर गया। खैर अभी यहाँ पे अपने शिनचैन भाई भी जा चुके, तो शिनचैन भाई के डेड बॉडी के ऊपर फूल चढ़ा देते हम लोग। मेरे पे कोई मोटी ऐसा लेवल लेना चाहिए। खैर अभी हम लोगों ने यहाँ पे अपने शिनचैन भाई की डेड बॉडी पे श्रद्धांजलि चढ़ा ही दी है, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि आखिरकार वो जो बंदा है वो है कहाँ, और उसके आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और मैं सबसे बढ़िया बात बताऊँ क्या चाह रहा हूँ, उससे बिना भीड़े भाई वो मर जाए, यानी जोन श्रिंक हो जाए और वो जोन की श्रिंकिंग से। ओके कास्टर भाई को उसने भाई स्नाइप करके नॉक कर दिया था, यानी वो बंदा इतना कुछ काम का है नहीं, बल्ला रोल एकदम स्नाइपर, स्नाइपर रोल का इस मोड में कुछ भी काम नहीं। ओके एरिया और भाई नॉक हो गया, कास्टर भाई ने उसे नॉक कर दिया, और मैं भाई डी अटैच होऊंगा। अब मेरे को उसकी डेड बॉडी पे डांस करना था यार। अच्छा नाचना था क्या? खैर अब तो नहीं नाच सकते बट वीडियो को एंड जरूर कर सकते। सो गाइस ये आज का अपना सुपर सस का कोलोसियम का गेम प्ले, अगर वीडियो जरा अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ लाइक गेम कंप्लीट होती है अपना वायरस 11 भी आ जाएगा। खैर अभी शिनचैन भाई के साथ हम लोगों ने निकाल लिया, नेक्स्ट वायरस 11 फॉप्सी के साथ ट्राई होगी। मैं मिलूंगा तुम लोगों से न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड पीस आउट।